दो पड़ोसी जो बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, दोनों के ही पिता पुलिस में नौकरी करते थे। बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला और 23 नवंबर 2017 को दोनों ने शादी। तो आइए जानते हैं स्टोरी को डिटेल में, जो कि भारतीय क्रिकेटर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए इस वीडियो में, और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वैसे तो तेज गेंदबाजों को आमतौर पर आक्रामक मिजाज का माना जाता है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार इसके अपवाद हैं। यूपी के मेरठ शहर में भुवनेश्वर इतनी धीमी आवाज़ में बात करते हैं कि कुछ ही दूर खड़े व्यक्ति की आवाज़ सुनाई न दे, और मैदान पर न तो कभी बिना मतलब का अग्रेशन दिखाते हुए देखा गया है और न ही उनका नाम कभी विवादों में आया है। भुवनेश्वर की गेंदों की गति बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपने स्विंग के जादू से उन्होंने न सिर्फ दुनिया के नामी बैटरों को छकाया है बल्कि उनके विकेट भी हासिल। वनडे और टी20 फॉर्मेट में एक समय में वे टीम इंडिया के स्थायी सदस्य रहे हैं। पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग में कुशल इस खिलाड़ी को यॉर्कर और स्लो ओवर बॉल फेंकने की महारत हासिल है। भुवनेश्वर जो कि भूभी के नाम से लोकप्रिय है, उन्होंने नुकुर नागर से शादी की। इसी होने के कारण दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और दोनों के ही पिता पुलिस की नौकरी करते थे। बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही। कुछ वर्ष डेट करने के बाद 23 नवंबर 2017 को भूभी और नुपुर ने शादी की। भूभी जहां पेशेवर क्रिकेटर हैं, वहीं नुपुर पेशे से इंजीनियर हैं। नोएडा से उन्होंने बीटेक किया और दोनों की एक अभी बेटी है। स्पाइसी पिच के एक शो में भुवनेश्वर और नुपुर ने अपने लव अफेयर के बारे में बात की थी। नुपुर ने शो में बताया था कि 13 साल की उम्र में जब हम पहली बार मिले थे, लेकिन तब हम भाई बहन जैसे थे। भुवनेश्वर ने कहा, उस समय पता नहीं था कि चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं, लेकिन जब आप एक साथ खेलते हैं तो वहाँ से चीज़ें, उस समय पता नहीं था कि यह लाइकनेस है और क्रश क्या होता है, लेकिन एक दूसरे के साथ खेलना अच्छा लगता था। भुवनेश्वर ने एक बार बताया था, पहले 3-4 साल तक तो हमारे माता पिता को हमारे प्यार और डेटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था, और यह अच्छा था कि उन्हें किसी और से इस बारे में पता चल गया था, क्योंकि मुझे उन्हें जाकर खुद बताने की हिम्मत नहीं थी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर ले मेरे दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।